बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को किसका मंगल होने जा रहा है। इसके बीच बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में जो बैठक चंडीगढ़ में होनी है उसमें दुष्यंत चौटाला शामिल नहीं होंगे। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन लगभग टूट चुका है, क्योंकि बीजेपी ने जेजेपी की डिमांड नहीं मानी है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बीजेपी से हुई बातचीत में सहमति नहीं बनी है। चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई मंत्री विधायक हरियाणा निवास में मौजूद हैं। खबरें ये हैं कि 12:30 बजे हरियाणा राजभवन में बीजेपी के तमाम विधायक जाएंगे और नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। आप मान लीजिए जो हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है, औपचारिकता जो थी वो खत्म हो रही है, जेजेपी रैली करके अपना रुख साफ करेगी। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि क्या जेजेपी अपने सभी विधायकों को अपने पास रख पाएगी। जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा अब फेसबुक पर लिखते हैं कि हम राम के थे और राम के रहेंगे। संकेत आप समझ सकते हैं क्या कुछ है। तो जननायक जनता पार्टी के सूत्रों से खबर यह है कि क्योंकि वो अब बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी ने जेजेपी की डिमांड नहीं मानी है, जेजेपी रैली करके अपना रुख साफ करेगी। उधर चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन लगभग टूट चुका है। शशि रंजन जी सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं हर ताजा अपडेट के साथ। शशि जी, वरुण अब खबर ये चलाइए कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में पिछले 4.5 या 5.5 वर्षों से जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, जिसकी बदौलत सरकार चल रही थी, वो गठबंधन टूट चुका है। औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है। ये बड़ी खबर आप चला सकते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। दो ऑब्जर्वर को जो बीजेपी ने दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा है, वो इसलिए भेजा है कि चूंकि ये एक नीतिगत फैसला लेना था, गठबंधन वाली सरकार थी और ये एक नीति है, एक नीतिगत फैसला था, इसलिए ऑब्जर्वर वहां पर हैं। उन ऑब्जर्वर की मौजूदगी में जितने विधायक हैं जो बीजेपी खेमे के हैं और जो इंडिपेंडेंट समर्थन दे रहे हैं, वो सब के सब लेटर ऑफ सपोर्ट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में सौंपेंगे। वो सब लेकर करके विधायकों के साथ वो जाएंगे गवर्नर हाउस, वहां नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। दो ऑब्जर्वर नीतिगत फैसला लेने के लिए पार्टी हाईकमान ने अधिकृत किया है और चूंकि एक नीतिगत फैसला लेना है इसलिए उनकी मौजूदगी में ये होगा। दूसरी तरफ जो बहुत जगह सोशल मीडिया पे और इधर उधर खबरें चल रही थी कि जेजेपी के नेताओं की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हुई, वो सरासर गलत है। आज बीजेपी और जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं यानी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है, थर्ड प्लेस पे मुलाकात हुई है। और कल ही जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी हरियाणा में जेजेपी को एक भी सीट दे पाने की स्थिति में नहीं है। बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती रही और जेजेपी की तरफ से 5100 रुपए ओल्ड एज पेंशन करने की बात की, लेकिन उस पे भी बात सिरे नहीं चढ़ी और खाली हाथ लौटना पड़ा। आज फाइनल बैठक होनी थी लेकिन उसके पहले ही बीजेपी हाईकमान ने चंडीगढ़ को अलर्ट कर दिया था और सीक्वेंस ऑफ इवेंट कल शाम से ही देखिए, मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों को बुलाकर 1-to-1 मिले। रंजीत चौटाला जो मनोहर लाल मंत्रिमंडल में बतौर इंडिपेंडेंट एमएलए रानिया से वो भी मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हुई और कुल मिला के ये साफ हो गया था कि अब ये गठबंधन नहीं रहेगा। बीजेपी की तरफ से मैं दोबारा बता रहा हूं, यह ऐलान नहीं होगा कि जेजेपी को एनडीए से बाहर किया गया, लेकिन जो नया मंत्रिमंडल कुछ घंटों में बनने वाला है
उसमें जेजीपी के किसी भी आदमी किसी भी एमएलए के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो दो तीन सीटें खाली होंगी या तो लिए कुछ लोग नए लिए जाएंगे या एज इट इज जो है वो मंत्रिमंडल दोबारा शपथ लेगा, यानी कि और जो ऑब्जर्वर हैं उनकी मौजूदगी में ये जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं इनका समर्थन मिलेगा और कुल मिला के ये कहानी है। तो ये आप कह सकते हैं अब कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो पिछले चार साढ़े चार पौने पांच वर्षों से चल रहा था, साढ़े चार ही कहिए चल रहा था, वो टूट चुका है। उधर जेजेपी में दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट गाड़ियां अपने लिए मंगवा ली हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जेजेपी में भी अब टूट का खतरा मंडरा रहा है। पांच लोग दिल्ली में हैं, कुल जमा 10 एमएलए हैं जेजेपी के, पांच दिल्ली में हैं, पांच दिल्ली नहीं पहुंचे, कुछ चंडीगढ़ के रास्ते। और अगर आप इस पे गौर फरमाइए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्टी से अलग होने के लिए, यानी 10 हैं तो 6 का नंबर चाहिए। अब ये आगे क्या होगा ये देखना होगा जी। लेकिन जेजेपी एक रणनीति बना रही है और एक रैली बड़ी रैली होगी 13 तारीख को, वैसे भी उनकी एक रैली होनी थी जिसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। इन तमाम हालातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस रैली में जोर शोर से जेजेपी के नेता बीजेपी पर हमला करेंगे और बीजेपी को फायदा तभी होगा राजनीतिक तौर पे और चुनावी आंकड़ों के मुताबिक जब जेजेपी बीजेपी पे हमला करे, यानी एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन हो। तो कुल मिलाके वरुण इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, हालात अब ऐसे हो गए हैं कि दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। सचिन जी, इसमें मेरा एक सवाल यह है कि जेजेपी रैली में इस बात का ऐलान करेगी, यानी औपचारिकता में अभी और थोड़ा सा समय बाकी है, वो रैली में जाकर बताएंगे कि हम अलग हो गए हैं? वो एक बड़ी रैली होगी और उसमें वो पूरी ताकत झोंकेंगे और उस रैली में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनके मंच पे उनके 10 एमएलए में कितने पहुंचते हैं। आज जो मीटिंग थी वो अनौपचारिक तौर पे 1-to-1 बेसिस पे ये कहा गया था दिल्ली आने के लिए, पांच पहुंचे नहीं, पांच पहुंचे हैं। अब जो रैली होगी उसमें ये समझ में आएगा कि कुल मिला के जेजेपी की स्थिति क्या होती है और सबकी निगाहें उस पर टिकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, हम सुबह से ये बता रहे हैं कि आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन किसी के लिए भारी हो सकता है और कुल मिला के सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिस तरीके से चल रहे हैं कि जेजेपी ये कहेगी कि हम तो छोड़ना नहीं चाहते थे, हमने सरकार का समर्थन किया, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे, हमने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया, हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चला, लेकिन 10 में एक सीट भी नहीं दिया, हमें एनडीए की बैठक में भी बुलाया लेकिन हमें बेइज्जत किया, ब्ला 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 इस तरह की चीजें चलेंगी। बीजेपी ये कहेगी कि हमने जेजेपी को एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं किया, किसी भी एक नेता का नहीं आएगा कि बाहर कर दिया और नया मंत्रिमंडल बन रहा है। यही बात आएगी कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि अपने मंत्रिमंडल में किसको रखें किसको नहीं रखें। 6 जो इंडिपेंडेंस है वो भी समर्थन दे रहे हैं, जेजेपी का भी अभी तक तो समर्थन ही मान के चला जाए, तो किसको लेना है किसको नहीं लेना है मंत्रिमंडल में ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो तय करेंगे कि किसको रखना है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हरियाणा की राजनीति आगे बढ़ रही है वरुण। लेकिन एक लाइन की खबर है और खबर ये है कि हरियाणा में पिछले 4.5 वर्षों से जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चल रहा था, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, वो अब गठबंधन नहीं है। औपचारिक घोषणा बीजेपी करती है या जेजेपी करती है ये इंतजार। शशि जी, एक इनसाइट और दर्शकों को बताइए कि यानी अब ये मान लें कि दिल्ली में जो मेहनत कल से हो रही थी, जेपी नड्डा से मुलाकात, आज अमित शाह से मुलाकात, अब दिल्ली में सारी जो मेहनत है वो खत्म हो गई है, दिल्ली में जो कवायद होनी थी वो हो चुकी है, अब नजरें चंडीगढ़ पर, राजभवन पर। मैं एक मिनट आपको होल्ड करूंगा जी, जी। और तब तक आप किसी तब तक हम दर्शकों के जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि बीजेपी समर्थक विधायक जो हैं
रणधीर गोलन जो पुंडरी के निर्दलीय विधायक हैं वो सरकार के साथ हैं, राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक हैं वो सरकार के साथ हैं, सोमवीर सांगवान तो बीजेपी में ही थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े जीते, वो सरकार के साथ हैं, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक वो सरकार के साथ हैं, गोपाल कांडा हलोपा उनकी पार्टी है उसके विधायक हैं वो सरकार के साथ हैं, रणजीत चौटाला रानिया से निर्दलीय विधायक लेकिन सरकार में मंत्री वो सरकार के साथ हैं, नयनपाल रावत प्रथला के निर्दलीय विधायक सरकार के साथ हैं, 41 सरकार के विधायक हैं, 46 का बहुमत का आंकड़ा है और 7 बीजेपी के साथ अलग से है, यह आंकड़ा 47-48 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गोपाल कांडा को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 48 तक जा रहा है, जेजेपी के बिना बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, यह एक तस्वीर है। दूसरी बड़ी बात यह, क्या जेजेपी में टूट संभव है, क्योंकि जो 10 विधायक हैं जिनकी दिल्ली में बैठक होनी है उसमें सभी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, रामकुमार गौतम पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सुरजाखेड़ा पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, देवेंद्र बबली अपने इलाके में हैं, तो इस तरीके से 5 विधायक जो हैं वो पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो क्या जेजेपी में भी टूट संभव है। हरियाणा की राजनीति में आज का दिन बहुत अहम है, दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक हर जगह की हलचल हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे समझिए और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि पल पल की जानकारी जैसे मिल रही है, एक बड़ी खबर हमने ये बताई कि ये खबर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला जो हैं उन्होंने प्राइवेट गाड़ी मंगवाई है, जैसा कि अभी हमारे सलाहकार संपादक बता रहे थे शशि रंजन जी, इसका मतलब ये है कि गठबंधन टूट चुका है, अब जेजेपी एक रैली करेगी, रैली में इस बात का ऐलान करेगी, इसके भी अलग मायने, अगर रैली में ऐलान करेंगी तो मंच पर क्या 10 के 10 विधायक मौजूद रहेंगे, यह बड़ी बात है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये वो विधायक हैं जो बीजेपी के समर्थन में है, नयनपाल रावत प्रथला के निर्दलीय विधायक, इसके अलावा रणधीर गोलन निर्दलीय विधायक पुंडरी से, इसके अलावा राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक बादशाहपुर से, ये सब सरकार को समर्थन कर रहे हैं, सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक हैं, भाजपा के नेता थे, टिकट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट लड़े जीते, धर्मपाल गोंदर निर्दलीय विधायक नीलोखेड़ी से, गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता और अपनी पार्टी के विधायक वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, रणजीत चौटाला रानिया से विधायक हैं वो सरकार के समर्थन में है और मंत्री है, बिजली मंत्री है, तो ये वो सूची है। और इधर दूसरी ओर आप आंकड़ा देख रहे हैं, बीजेपी 41 जेजेपी 10 कांग्रेस 30 इनेलो 1 और इसमें बीजेपी के साथ 6 निर्दलीय, यानी 41 और 6 47, गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा बीजेपी के साथ, यानी ये आंकड़ा हुआ 48, यानी जो बहुमत का नंबर है 46 उसके ऊपर कंफर्टेबल मेजोरिटी बीजेपी की दिखाई दे रही है। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ जहां पर इस वक्त बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है, चंडीगढ़ जहां से बताया जा रहा है कि बैठक के बाद राजभवन जाना है, चंडीगढ़ जहां यह बताया जा रहा है कि राजभवन में 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, यानी अब जो मेरे पीछे लिखा है संकट में गठबंधन, अब वो बदल गया है, गठबंधन टूट चुका है, ये एक स्थिति है, अब गठबंधन संकट में नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली भी लेकर चलेंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और क्या कुछ वहां की राजनीति कह रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, अब जो चंडीगढ़ की तस्वीरें हमारे साथ आ रही है, मुख्यमंत्री निवास की सुबह की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़ा है, जो खेल है, वो बदला है। पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, गठबंधन टूट चुका है ये स्पष्ट हो गया? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज का दिन सियासी तौर पर एक बड़ा दिन है और बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है जो लगातार 4.5 साल से प्रदेश में चल रहा था, अब गठबंधन जो है वो टूट चुका है, औपचारिकता महज बाकी है, एक तरीके से औपचारिकता में फार्मूला क्या है ये तस्वीर साफ होना बाकी है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के बाहर मौजूद हूं, आप हरियाणा निवास के बाहर की तस्वीर देखिए, इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मौजूद हैं, कई मंत्री और विधायक यहां पर हरियाणा निवास में पहुंचे हुए हैं, लगातार मंत्रियों का और विधायकों का यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और गठबंधन की जो तस्वीर है वो अब धुंधली हो चुकी है और गठबंधन जो है वो टूट चुका है, औपचारिकताएं बाकी है, गठबंधन टूटने का जो फार्मूला है वो आज वो बाकी है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद यहां बैठक होगी, बैठक में पूरी चर्चा की जाएगी, चर्चा के बाद पूरा जो हाईकमान का फैसला है उसके ऊपर बातचीत होगी और सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक इसके बाद हरियाणा के राजभवन में यहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे और वो अपना इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस्तीफा देना इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि अगर गठबंधन
के सहयोगी के नाते जननायक जनता पार्टी के मंत्रियों को हटाना है तो पूरी कैबिनेट को भंग करना होगा, पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व करना होगा। पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो इस्तीफा है वो काफी है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा दे देंगे तो एक तरीके से ऑटोमेटिक ही पूरी कैबिनेट जो है वो भंग हो जाएगी, और पूरी कैबिनेट भंग होने के बाद नए सिरे से हरियाणा का मंत्रिमंडल बनेगा। हरियाणा के मंत्रिमंडल की नई तस्वीर प्रदेश के लोगों के सामने होगी। नए मंत्रिमंडल में किनको मौका मिलता है, कौन कौन से पुराने चेहरे भाजपा के खेमे से जो आज मंत्री हैं वो वापिस एक बार फिर मंत्रिमंडल में नजर आते हैं, ये देखना होगा। इसके साथ ही जो है वो निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, निर्दलियों में किसकी लॉटरी लगेगी ये भी बड़ी बात रहेगी। और निर्दलियों के साथ साथ जो है वो हलोपा के विधायक गोपाल कांडा का सरकार को समर्थन है, क्या गोपाल कांडा को भी कोई मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या नहीं, ये भी बड़ी बात रहेगी। तो आज की जो तस्वीर है उसका इंतजार पूरा हरियाणा कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन कौन बदले जाएंगे, किस किस को नए चेहरे के तौर पर शामिल किया जाएगा, या इससे भी बड़ी कोई तस्वीर हरियाणा की हो सकती है, इसके ऊपर भी सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन अब महज औपचारिकताएं बाकी है। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार चल रही है। पवन, मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन हरियाणा में टूट गया है। जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है हम राम के हैं और सदा राम के रहेंगे। ये सुरजाखेड़ा लिख रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन तो टूट चुका है, लेकिन ये जो पोस्ट है इसके मायने हैं। मैं एक बार वापस चल रहा हूं पवन। अब सबसे बड़ी बात है कि जेजेपी विधायक जिस तरह की बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जेजेपी के सामने चुनौती अपने विधायकों को इंटैक्ट अपने पास रखना, बचा के रखना। तौर पर आप जननायक जनता पार्टी के पास ये विकल्प तो बचा ही नहीं है कि वो सरकार के साथ रहेंगे, क्योंकि सरकार में उनका गठबंधन जो है वो तो लगभग टूट चुका है। औपचारिकताएं जो है वो करीब एक घंटे बाद पूरी हो जाएंगी। गठबंधन टूटने की जो रणनीति है, जो फार्मूला है, वो एक घंटे बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी के विधायक जिस तरीके के बागी तेवर अपना रहे हैं सोशल मीडिया पर, रामनिवास सुरजाखेड़ा का जो ट्वीट है, उन्होंने जो कहा है कि हम राम के हैं और राम के साथ रहेंगे, तो साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी आस्था पहले से ही जता रहे हैं और वो भाजपा के साथ जाने का एक तरीके से अपना ऐलान कर चुके हैं। लेकिन केवल रामनिवास सुरजाखेड़ा अकेले नहीं है जी, रामकुमार गौतम नारनौंद से जेजेपी के विधायक जी, इसके अलावा जो है वो जोगीराम सिहाग बरवाला से जो जेजेपी के विधायक हैं उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ईश्वर सिंह गुलाचिका से जेजेपी के विधायक, उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी जननायक जनता पार्टी के पास अगर आप मजबूती के तौर पर विधायक हैं तो वो हैं नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं वो खुद, इसके साथ ही अनूप धानक जो राज्य मंत्री फिलहाल अभी तक हैं वो, यानी तीन जो विधायक हैं वो जननायक जनता पार्टी के पास अभी पुख्ता तौर पर है। चौथे और पांचवें विधायक के तौर पर अमरजीत ढांडा और रामकरण काला, ये दो विधायक और जेजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है। ऐसे में पांच जो विधायक हैं जेजेपी के वो टूट सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अब बीजेपी के लिए गठबंधन बनाए रखना चुनौती नहीं है, गठबंधन की तो तस्वीर साफ हो ही चुकी है। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी के सामने अपने धड़े को, अपने विधायकों के जो खेमा है उसको बचाए रखने की चुनौती है। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं जेजेपी उसमें कितनी सफल होगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम लगातार बागी तेवर अपनाते रहे हैं, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे विधानसभा के बाहर किसी भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप की बात हो, वो अपना लगभग स्टैंड पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे में जेजेपी को अब गठबंधन के बजाय अपनी पार्टी में अपने विधायकों को पवन, पवन मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए। और हम फौरन लौट रहे हैं। इस बीच हर पल की अपडेट, जो कुछ हरियाणा में घट रहा है सबसे पहले जनता टीवी पर एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं और बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है।